एक बार एक लड़का समुद्र किनारे घूम रहा होता है और एक लहर आती है उसके चप्पल को बहाकर ले जाती है। लड़का रोते रोते गुस्से में रेत पर लिखता है कि समुद्र चोर है। वहीं पास ही में एक आदमी समुद्र में डूब कर मर जाते हैं तो उसकी वाइफ रेत पर लिखती है कि समुद्र हत्यारा है। वहीं दूसरी छोर पर कुछ मछुआरों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं, उसमें से एक मछुआरा रेत पर लिखता है कि समुद्र हमारा पालनहार है। वहीं एक छोर पर एक भिखारी रेत पर घूम रहा होता है तो उसे एक मोती मिलता है। वो खुशी खुशी रेत पर लिखता है कि समुद्र दानी है। फिर अचानक एक बड़ी लहर आती है और सारे लिखे को मिटाकर चली जाती है। गाइस, लोग समुद्र के बारे में कुछ भी कहें लेकिन विशाल समुद्र अपनी लहरों में मस्त रहता है। सो गाइस, अगर हमें भी विशाल समुद्र जैसा बना है तो लोग हमें क्या बोलते हैं, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें बल्कि इस पे ध्यान देना चाहिए कि विच इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी, हमारे लिए अच्छा क्या है और क्या हम अच्छा कर सकते हैं। हमें अपने स्किल्स को डेवलप करने चाहिए, निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं ये उनके थॉट्स हैं ना कि हमारे। तो जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, जस्ट फर्स्टली थिंक कि व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। जो गुजर गया उसकी चिंता ना करें, सुख दुख हारना जीतना ये सभी की लाइफ में होती है। अगर जिंदगी सुख शांति से भरी होती तो इंसान जन्म लेते समय रोता नहीं। जन्म के समय रोना और मर कर रुनाना, इसी के बीच के समय को संघर्ष कहते हैं, इसी के बीच के समय को जिंदगी कहते हैं। सो गाइस, छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।